भी मेरे कंपनी में इधर दुबई में मुझे क्वालिटी कंट्रोलर्स दो और ऑपरेटर्स। तो हेलो भाई, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूँ गोविंद और इनका वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बहुत सारी आउट ऑफ कंट्री की कंपनियाँ अपने इस चैनल से जुड़ चुकी हैं और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और जो भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए, इनका जो बात है इनके जो थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि मैं इनसे बोल रहा हूँ कि भैया जो आपका स्ट्रगल है उसको जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल टाइम ही कंपनी छोड़ के घर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा सा स्ट्रगल भी बताएंगे और जो रिक्वायरमेंट्स है इनके पास उसके बारे में भी ये बात करेंगे, कैसे हम लोगों का यह मदद भी करेंगे, और ये कंपनी के ऑनर भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं के मुंह से सब कुछ हम सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस पे अब धीरे धीरे हर एक कंपनी आते जा रही है, मैक्सिमम कंपनियां अब अपने चैनल से जुड़ रही हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। फ्री का है भाई, 1 रुपये नहीं लगने वाला है, इस चीज़ को आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि आपको 1 रुपये भी लगने वाला है, चाहे आउट ऑफ कंट्री का चाहे इंडिया का, 1 भी रुपये नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। हाय गाइस एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। तो जैसे कि गोविंद ने मुझे बताया, वैसा आप थोड़ा हमारे चैनल पे बताए बोलिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, यानी जो भी है। मेरा एक एक्चुअली अपने फील्ड में पीवीसी के फील्ड में मुझे एक्चुअली टोटल एक्सपीरियंस है, और अभी तो फिलहाल मैं एक्चुअली एक जगह पे हमारा काम है, इसके लिए हम जा रहे हैं अभी। इसलिए सॉरी, मैं गाड़ी में ही मैं वीडियो में बना रहा हूँ। ये है मेरे हमारे ड्राइवर साहब। चलिए, तो ये बात ये है दोस्तों कि जब अपना जब करियर स्टार्ट होता है तो कोई भी काम हो, जब हम कॉलेज से लेफ्ट होते हैं या तो फिर हम सिपेट से बाहर आते हैं, कोई हम पीवीसी इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों को है ना रिजेक्ट होते हैं, बहुत सारे जन सिलेक्ट होते हैं, तो ये चलता ही रहता है। लेकिन जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने एक बात अपनी ध्यान में रखनी है कि जो हमको जो पहला जो चांस मिला है तो उसका बराबर पूरी तरीके से अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए उसका बहुत फायदा करना चाहिए है, लाजिम। और जो सिलेक्ट नहीं है वो लोगों ने है ना अपना है ना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी है ना कम नहीं होना देना है, कि आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी पीवीसी इंडस्ट्री या गोविंद को मालूम है, ठीक है, और खुद मेरा भी है ना पीवीसी का इंडस्ट्री है इंडिया में, मेरे मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और फिर भी मैं इधर दुबई में है ना एक मोटिवेशन से मैं एक्चुअली मैं इधर आकर मैं प्रोडक्शन में पूरा और सेल्स में पूरा मैं एक कंपनी में ज्वाइन हुआ है पहले, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैंने भी है ना जिंदगी में बहुत पहले स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल यानी ऐसा स्ट्रगल किया है जैसे कि जीरो से मैंने स्टार्ट किया था। एज अ मैं केमिकल इंजीनियर है, ठीक है, तो मेरा प्रोफेशन है एक्चुअली, मैं सिपेट नहीं किया, मैं चांस नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था सिपेट में, बट मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया। तो इनका वीडियो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि देखिए, बात यह है कि आप अगर सीपीएट कर रहे हैं तो इसमें तो ऐसा है नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको प्लेसमेंट तो आपका 100% होगा ही होगा, लेकिन प्लेसमेंट होने के बाद से जो स्ट्रगल है, मैं इनसे डायरेक्टली कॉल पे पहले मैं बात किया इनसे, तो यह जो बताया ना जैसा ये अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो शायद हमको नहीं लग रहा है कि मेरे कंटेक्ट में भी कोई लड़का इतना मतलब ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। मैं अभी ये पूरा खुल के नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं भाई। ठीक है, तो आइए और कुछ बातें इनका सुनते हैं। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैं कार से आ रहा था, लेकिन एक इमरजेंसी कॉल आया, इसके लिए मुझे वीडियो कट करना पड़ा।
तो मैं आपको बता रहा था, अगर आपको इंडिया में भी जॉब चाहिए या तो फिर मिडल ईस्ट में, इधर चाहिए, गल्फ में चाहिए, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल सकती है। बहुत सारी वैकेंसीज रहती है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है। आप ये मत सोचिएगा कि इंडिया में मुझे जॉब नहीं मिलेगी, या फिर दुबई में, या फिर इधर शारजा में, इधर हमें जॉब नहीं मिल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। बहुत सारी वैकेंसीज़ है। गोविंद को मैंने मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया है, और मैं हमारे जो पीवीसी मैन्युफैक्चरर्स का ग्रुप है, तो उस उनका भी मैं कांटेक्ट नंबर उसको मैं सेंड कर दूंगा, तो आप उससे कांटेक्ट करिएगा। लेकिन लेकिन जॉब के लिए किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है आपको। आप सिर्फ गोविंद से कांटेक्ट करके जाइएगा, गोविंद भी किसी से भी 1 रुपया कभी भी नहीं लेता है। अगर आपको दुबई में आना है, यू वेलकम, आई एम हियर, नो प्रॉब्लम, ओके। और मैं गोविंद के लिए मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। गोविंद एक ऐसा आदमी है पीवीसी लाइन में, जिसने बहुत सारे लोगों को पीवीसी के इकट्ठा किया है, और बहुत सारा जो अभी नए लड़के हैं, सिपेट से निकले हैं बाहर, अभी जॉब कर रहे हैं या तो फिर अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वो लोगों को एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशंस देने का काम कर रहे हैं वो। तो थोड़ा आप सपोर्ट कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब किए करिएगा, ठीक है। तो अभी सिपेट में भी जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो वो लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इनके वीडियोस देखते रहिएगा, आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत नॉलेज वाला बंदा है, और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो उसको है ही, ठीक सर का है। बहुत बहुत धन्यवाद जो हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से बता रहे हैं। और फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट्स को बताने से पहले एक बार थोड़ा सा और मैं एक चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ कि देखिए बस पीवीसी वाले लोग नहीं, इसमें एचडीपी पाइप के लोग, आपका सीट के लोग, पैकेजिंग फील्ड के लोग, इंजेक्शन मोल्डिंग के लोग, हर कंपनी वाले लोग जुड़े हुए हैं, हर कंपनी के लड़के जुड़े हुए हैं, हर प्रोसेस के लड़के अपने चैनल से जुड़े हुए ये हैं। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आप दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। कोई भी लाइव मैं आता हूँ, लाइव भी आऊँगा, या फिर से कोई भी नोटिफिकेशन हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इनका रिक्वायरमेंट्स को हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, और एक बात बतानी थी। अभी मेरे कंपनी में इधर दुबई में मुझे क्वालिटी कंट्रोलर्स दो और ऑपरेटर्स दो, ये लोगों की ज़रूरत है। तो आप अपना जो सीवी है, अपना जो बायोडाटा है, वो आप गोविंद के पास भेज दो, वो मुझे कांटेक्ट कर लेगा। ओके, बेस्ट तो ऑफ फ्रेंड्स लक। अप्लाई कैसे किया जाएगा कि देखिए 10 लड़कों का रिज्यूम मैं भेजूंगा, 10 लड़के पीवीसी ऑपरेटर और 10 लड़के क्वालिटी के, इनका मैं रिज्यूम भेजूंगा वहां पे शॉर्टलिस्ट करके, और वो इंटरव्यू लेंगे, उसमें जो भी क्वालिफाइड होगा वो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं उन्हीं का रिज्यूम भेजूंगा कि जो यह थोड़ा सा मेरा एक थोड़ा सा हेल्प कर कीजिए आप कि अपने इस चैनल का वीडियो, कोई भी वीडियो आप किसी भी ग्रुप में, कम से कम 5 ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, चाहे फेसबुक ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कॉलेज वाले ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद से उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगा जिस ग्रुप में आपको काफ़ी सीनियर सीनियर लोग मिलेंगे और उसमें कंपनी वाले लोग भी जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो उस ग्रुप में आपको मैं ऐड करूंगा और ऐड भी करूंगा, और आपका जो सीवी, आप सीवी अपना उसी ग्रुप में आप सेंड कीजिएगा, आपका सीवी मैं कंपनी वाले खुद ले लेंगे या फिर से मैं खुद से शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और पैसा आपको कोई भी मांगे, कंपनी वाले भी पैसा मांगे, या मैं ही कभी आपसे अगर मांगूँ तो बिल्कुल मत दीजिएगा। ठीक है, पैसा बिल्कुल नहीं देना है, किसी को पैसा नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो से आपको जरूर कुछ जानकारी मिली होगी और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और इस टाइप से मैं, आप लोग चाहते हैं कि मतलब इस टाइप से मैं वीडियो अपलोड करूं कि कोई भी कंपनी रिक्वायरमेंट्स डाल रही है, रिक्वायरमेंट्स दे रही है, तो उसको मैं डायरेक्ट अपने इस चैनल पर लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो
आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स में जरूर बताएं, और यह हम लोगों का जो प्रयास है कैसा है आप कमेंट्स जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।